नमस्कार, जितने भी तकनीकी यानी कि टेक्निकल छात्र हैं हमारे दर्शक, वो थोड़े परेशान होंगे। उनके लिए बहुत कम वैकेंसी निकल रही है, लेकिन आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे जो भी वैकेंसीज आती है, शायद ही कहीं आपको इस प्रकार की वैकेंसी कोई बताएगा। अभी जिस भर्ती के बारे में मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे प्रोसेस बहुत आसान रहने वाला है। परीक्षा आपका नहीं होगा, बस इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार आपको देना है, और किस्मत अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आप काम करते हुए नजर आएंगे कार्यालय में, जहाँ की मैं भर्ती आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे अपडेट आपके मिस हो गए होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशंस वगैरह मैं दिखा रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई फर्जी वैकेंसी मैं नहीं बताता हूँ। तो बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ, आपको 2 वैकेंसी बताऊँगा। ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, भारत के कहीं के भी कैंडिडेट हो वो आवेदन कर पाएंगे, और 2 जिलों की वैकेंसी है। पहला तो फ्रेंड्स आपको सीतामढ़ी, जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए सीतामढ़ी की तरफ से है पहली भर्ती, और जो दूसरी भर्ती है फ्रेंड्स आपको दरभंगा की तरफ से है, ठीक है। तो दरभंगा और सीतामढ़ी वाले यानी कि जो मिथिलांचल के लोग हैं, उनके लिए अगर पास के हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही केवल करेंगे, कोई भी कर सकता है, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना देर किए हुए। आपको 2 प्रकार की वैकेंसी है, 2 प्रकार के यहाँ पे पद रखे गए हैं, और अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो भर्ती है फ्रेंड्स आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी कि जहाँ पे डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, वहाँ की भर्ती है। और यहाँ पे फिलहाल जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं निकलती है इन पदों पे, तब तक आपको कार्य करने के लिए रखा जाएगा। अब परमानेंट वैकेंसी कब निकलेगी उसके बारे में भी मैं जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। नौकरी अच्छी है, और यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के पद हैं। पहला जो पद है फ्रेंड्स आपका व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर कह सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर लेक्चरर का पोस्ट होता है पढ़ाने के लिए। और साथ में फ्रेंड्स एक है प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, जिसको तकनीकी सहायक के नाम से भी जाना जाता है। 2 प्रकार के पोस्ट हैं। जो अगर व्याख्याता के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 45,000 रुपये सैलरी हर महीने मिलेगी, और वहीं अगर लैब असिस्टेंट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो 25,000 रुपये आपको मिलेगी। प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ब्रांच बता देता हूं। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, सीतामढ़ी के अंदर कौन सा ब्रांच है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो आईटी से संबंधित अगर आपका ब्रांच है बीटेक आपने किया हुआ है, कम से कम बीटेक वाले, ठीक है। एमटेक है तो उनको पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, प्रिफ्रेंस ज़्यादा मिलेगा एमटेक वालों को। लेकिन बीटेक भी है अगर आप कंप्यूटर साइंस से, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, या फिर सिविल से हैं, तब आप आवेदन कर सकते हैं। और एक रसायन का भी है यानी कि केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स एमएससी मांगा जाता है, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री अगर आप हैं तो केमिस्ट्री के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेक्चरर के लिए 45,000 आपकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पे जो है इसका प्रोसेस, सबसे पहले सीतामढ़ी का बहुत आसान है, दरभंगा का थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मतलब करने वाले के लिए तो कुछ भी आसान होता है। तो सीतामढ़ी में क्या करना है, जो डेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, 30 सितंबर को आपको लैब असिस्टेंट या फिर जो आपका ये मैंने ऊपर बताया है लेक्चरर, दोनों के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू है। डायरेक्ट आपको कॉलेज के कैंपस में ही जाना है। कैंपस जो आपका है वो बद्दी उज़मा खान पॉलिटेक्निक संस्थान पुपरी सीतामढ़ी के अंदर है, ठीक है। वही एड्रेस है, आपको वहीं पे जाना है। सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के नाम से आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। सीधा इंटरव्यू है 30 सितंबर को, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ब्रांच बता दिया इसके लिए, लेक्चरर के लिए। अब ये जो है फ्रेंड्स आपका टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक के लिए मैं बात करूं, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, डिप्लोमा संबंधित ब्रांच से आपका होना चाहिए, संबंधित शाखा से बीटेक होना चाहिए, ऊपर वाला तो ये समझ में आ गया। अगर आप प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो कम से कम अगर आपका पॉलिटेक्निक है कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी आ जाते हैं, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, या फिर मैकेनिकल के लिए, या फिर आपका सिविल के लिए, या फिर रसायन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं तकनीकी सहायक कार्य जो आपका ये है प्रयोगशाला सहायक के लिए, तो केमिस्ट्री वालों के लिए कम से कम बीएससी मांगा गया है, बीएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए, वो आवेदन कर पाएंगे केमिस्ट्री के लिए। बाकी जो ट्रेड है उसमें पॉलिटेक्निक चाहिए आपको प्रयोगशाला सहायक के लिए, ठीक है। डायरेक्ट जाना है आपको 30 तारीख को सीधा कॉलेज के कैंपस में, और क्या क्या लेके जाना है मैं वो बता देता हूँ। आपको लेके जाना है फ्रेंड्स अप्लीकेशन फॉर्म, अगर नहीं है आपके पास तो आप बायोडाटा ले जा सकते हैं सीतामढ़ी वाले में, याद रखिएगा सीतामढ़ी के लिए फिलहाल बता रहा हूँ, फिर दरभंगा वाला भी बता दूंगा अभी जस्ट।
तो आवेदन पत्र अगर आपके पास नहीं है एप्लीकेशन फॉर्मेट तो रिज्यूमे बनवा लीजिएगा। रिज्यूमे अगर आपको नहीं आता है अच्छा बनाने, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे आपका आकर्षक रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है, जो वहाँ पे आपका वेरीफायर होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो एक इम्प्रेसिव रिज्यूम यानी कि जो बायोडाटा होता है वो एक पेज का होता है, रिज्यूमे आपका 2-3 पेज या जितने भी आपने ट्रेनिंग किए हैं, आपने जो भी अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, सभी को मेंशन करना होता है उसमें, ठीक है। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल करके बनवा भी सकते हैं, 100 रुपये प्राइस है, आपको बहुत ही बेहतर रिज्यूमे बना के मिल जाएगा। अगर आप खुद से कर सकते हैं, टेक्निकल है तो कोई इशू नहीं है, खुद से भी कर लीजिए, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्मेट या रिज्यूमे ले लीजिएगा। सीतामढ़ी की बात करें, साथ में आपका 10th 12th और टेक्निकल आपने जो भी कोर्स किया है उसकी मार्कशीट ले लीजिएगा, फोटो कॉपी के साथ, दो दो सेट फोटो कॉपी सभी के। और टेक्निकल में अगर आपका बीटेक है या डिप्लोमा है जो भी है, आप उसका मार्कशीट ले लीजिएगा, और सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा, मिल गया होगा, तो वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। जाति का एक दो फोटो कॉपी ले लीजिएगा, आवास प्रमाण पत्र का दो फोटो कॉपी ले लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड का, कहीं आप काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं पर पढ़ा रहे हैं, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र काफ़ी वहाँ पे मायने रखता है। अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस मिलना लाजमी है, ठीक है। तो इतना चीज़ लेके जाना है सीधा कैंपस में, तो आपका हो जाएगा सीतामढ़ी के लिए। अब वही बात करता हूँ फ्रेंड्स मैं दरभंगा के लिए क्या करना है। तो ये दरभंगा में देखिए कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स दरभंगा के बारे में बता दूँ कि कौन सा ट्रेड है। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं दरभंगा पॉलीटेक्निक के अंदर, तो आपको जो ट्रेड यहाँ पे निकाले गए हैं वो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका एक सबसे पहला ट्रेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सिविल वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, उसके बाद आपका फिजिक्स तथा गणित हेतु अतिथि व्याख्याता। तो देखिए जो बीटेक वाले हैं आपका ऊपर हो गया उनका ट्रेड, और जो भौतिकी और गणित है तो उसमें जो मास्टर ऑफ फिजिक्स होंगे या फिर मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स होंगे वो लोग जाएंगे। और कैसे आवेदन करना है इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, वो भी मैं बता देता हूँ। अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपको प्रयोगशाला सहायक है। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिविल का हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो गया, इन सभी में आपका हो गया प्रयोगशाला सहायक है। यानी कि जो लेक्चरर का पोस्ट है 45,000 सैलरी वाली है, और प्रयोगशाला सहायक के जो पद है 25,000 वाली सैलरी वाला ये पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसका जो वेबसाइट है दरभंगा पॉलिटेक्निक का, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है। इसमें आवेदन पत्र दिया हुआ है दरभंगा वाले के लिए, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा आवेदन पत्र, उसको फिल कर लीजिएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, जाति, आय, आपका मैट्रिकुलेशन, 12th क्लास, टेक्निकल मार्कशीट सभी, और साथ में सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आपको एक A4 साइज लिफाफे में डाल के, एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, 25 सितंबर से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा आप, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा, मोहल्ला कादिराबाद, पोस्ट लालबाग, जिला दरभंगा, पिन कोड 84604। तो ये थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपका रिलीफ रहेगा, जो ये काम करेगा उस वहाँ पे भीड़ कम होगी, क्योंकि वो सीतामढ़ी वाले में कोई भी जा सकता है, जो आवेदन नहीं करेगा वो डायरेक्ट जा सकता है। और यहाँ पे आपको आवेदन करना है, उसके बाद आपको ईमेल पे आपको कन्फर्मेशन आएगा कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, सैलरी मैंने बता दी है। नौकरी फ्रेंड्स आपको ये टेम्पररी नौकरी है फिलहाल, जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं निकल जाती है। तो परमानेंट वैकेंसी आपको मैं बता दूं 2 से 3 महीने के बाद निकलने वाली है, और सैलरी उसमें ज़बरदस्त रहेगी। उसमें फ्रेंड्स सैलरी आपका सीधा जो है लेक्चरर का कम से कम 70,000 के आसपास, और जो प्रयोगशाला सहायक है उसके लिए 50 से 55,000 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग से रहेगी। तो काम का थोड़ा अनुभव हो जाएगा, आपको तैयारी करने का चांस भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो काम है वहाँ पे लेक्चरर की बात करें, काम में जो लेक्चरर है उनको पढ़ाना होता है, और जो प्रयोगशाला सहायक हैं उनको लैब जो होती है कॉलेज के अंदर उसमें जो प्रयोग होती है, मतलब लैब के, और जो प्रयोगशाला सहायक है उनका काम होता है जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं कॉलेज के अंदर उसको समझाना, उसको करवाना, ठीक है। तो यही काम होता है, और आप जाएंगे वहाँ पे तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपको अगर प्रयोगशाला सहायक इंटरव्यू दे रहे हैं तो संबंधित लैब से जो आपने कोर्स किया है, आपने अभी तक पढ़ाई की होगी अपने तकनीकी शिक्षा के दौरान, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और लेक्चरर के लिए आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस पर आप अच्छे से समझाइए, थोड़ा पढ़ा के दिखाइए, बोर्ड आपको मिलेगा।
जो भी आपका अच्छा से अच्छा बेहतरीन पढ़ाने का तरीका होगा, अगर आप वहाँ पे दिखाते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बन जाता है। और ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हर एक जिलों में भर्ती निकलती रहती है, जिसका सीधा सीधा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम में हम रोज डाल देते हैं, ठीक है। तो अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, चाहे आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, ठीक है। कल मिलेंगे नई भर्ती के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।